नमस्ते सभी को। हिंदी में हम लोग अब चर्चा शुरू करते हैं। जी, तो अभ्यास दो के स्टेप फोर पे हम लोग अभ्यास कर रहे थे और हम ये देखने का प्रयास कर रहे थे कि संवेदना क्या है। तो अभी हम लोग संवेदना शब्द का प्रयोग करते रहे और ये भी बात है कि शरीर में संवेदना हो रही है और मैं उस संवेदना को पढ़ रहा हूँ। उसको और स्पेसिफिकली आप ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या मैं ही संवेदना हूँ या मैं संवेदना में हूँ या मेरे और संवेदना के बीच दूरी है। ये संवेदना है क्या, मेरा ही एक भाग है या संवेदना का एक भाग मैं हूँ, है ना। इस बात को हम लोग अपने आप में स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा ब्रीफली रिकैप करें तो अभ्यास दो में मैं द्वारा शरीर को देखने का यानी चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। इसी क्रम में पहले स्टेप में हमने चैतन्य और जड़ इन दो वास्तविकताओं को अलग अलग पहचानने का प्रयास किया। तो मैं को मैं की तरह, शरीर को शरीर की तरह देखने का अभ्यास किया और ये भी देखने का प्रयास किया कि दोनों एक है या भिन्न है। स्टेप टू में मैं और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का अभ्यास किया। दिखता है कि मैं शरीर को संकेत देता हूँ आवश्यकता अनुसार और शरीर में संवेदनाएं हो रही है, मैं उसको पढ़ता हूँ आवश्यकता अनुसार और मेरे और शरीर के बीच कोई भौतिक रासायनिक आदान प्रदान नहीं हो रहा, सिर्फ संवेदना का मतलब सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। शरीर से मुझे संवेदना मिल रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, शरीर को मैं संकेत दे रहा हूँ। तो ये संकेत देना या संवेदना को पढ़ना, इसमें देखें सिर्फ सूचना का ही रोल है, कोई भौतिक रासायनिक आदान प्रदान नहीं। स्टेप थ्री में हमने ये देखने का प्रयास किया कि ये जो भी आदान प्रदान हो रहा है मेरे और शरीर के बीच में, इसमें निर्णय किसका है। तो उसमें हम ये पाए कि जो शरीर को मैं संकेत दे रहा हूँ वो भी मेरा निर्णय है और शरीर से जो संवेदना को पढ़ रहा हूँ वो पढ़ना भी मेरा ही निर्णय है। इसको हम लोगों ने कई प्रकार से देखा, शरीर को स्थिर करके छोटी छोटी हरकतों में अपने आप में विचार मग्न है, उस दौरान क्या चल रहा है, घर के कुछ काम कर रहे हैं, घरेलू काम कर रहे हैं, झटके से कोई काम कर रहे हैं, इन सब चीजों में हमने देखा कि अल्टीमेटली निर्णय तो मैं का ही होता है, शरीर में निर्णय जैसी कोई क्रिया होती नहीं। इस बात को हम लोग स्टेप थ्री में देखते रहे। अब जो बात स्टेप वन में कर रहे थे कि मैं और शरीर ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, अब उसको देखने का ये भी प्रयास कर रहे हैं कि मैं और शरीर के बीच दूरी है। इस दूरी को देखने के क्रम में संवेदना से अपनी दूरी को देखने का प्रयास करें क्योंकि संवेदना शरीर में। तो इसमें जो मुख्य बात है ऑब्जर्व करने की, क्या पाएंगे कि शरीर में कुछ परिवर्तन होता है ना, कोई संवेदना उठती है और मैं उस संवेदना से पूरी तरह से प्रभावित हो जाता हूँ, मुझे होश नहीं रहता और संवेदना के प्रभाव में मैं निर्णय ले जाता हूँ। परंतु यदि मुझे लगे कि संवेदना मुझ में नहीं हो रही है, संवेदना मुझसे बाहर हो रही है और मैं उसको पढ़ रहा हूँ और फिर मैं निर्णय ले रहा हूँ, तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा अलग प्रकार से होगा। अदरवाइज हम इतनी बारीकी से देखते नहीं हैं, कोई भी संवेदना उत्पन्न हुई और उस संवेदना के प्रभाव में आ गए और उसमें एक निर्णय ले लिया, वो निर्णय भी मैंने ही लिया, इसका भी होश नहीं रहा, उसके आधार पर हमने भागीदारी भी कर ली, है ना। फिर जो फल परिणाम आया वो अगर सुखद नहीं रहा तो उसको लेकर हम अपने आप में दुखी हुए, परेशान हुए। तो जो भी संवेदना शरीर में उत्पन्न हो रही है जिसको मैं निर्णय पूर्वक पढ़ रहा हूँ, उसके प्रति थोड़ा होश और जगाने की जरूरत है कि ये जो संवेदना के प्रभाव में मैं यकायक निर्णय ले लेता हूँ, ऐसा ना होकर संवेदना को मैं देख पाऊँ। और जब मुझे दिखता है कि संवेदना मुझसे बाहर हो रही है, पढ़ना ना पढ़ना मेरा चॉइस है, ठीक, उसके आधार पर जो निर्णय लेना है वो भी मेरा चॉइस है, तो फिर हम ज्यादा ठीक से अपने इस चॉइस को एक्सरसाइज कर पाते हैं, है ना। अदरवाइज संवेदना के परतंत्र हो जाते हैं। तो इस बात को हमें देखना है कि संवेदना और मेरे बीच संबंध क्या है, संवेदना मुझ में है या मुझसे बाहर है, बाहर है तो क्या मेरी संवेदना से दूरी है, शरीर के किसी अंग में कोई संवेदना हो रही है, घुटने में कोई संवेदना हो रही है,
शरीर में घुटना है, घुटने में संवेदना है, ना कि ये संवेदना मुझ में है। तो घुटने में अगर थोड़ा सा दर्द भी है या कोई प्रतिकूल संवेदना है, तो ऐसा नहीं कि मैं उससे प्रभावित हो जाऊंगा, उसको संवेदना के रूप में देखूंगा। ये होश जगाने की जरूरत है, ये सजगता अपने अंदर स्थापित करने की जरूरत है। तो कल दिन भर के अभ्यास से यदि किन्हीं का कोई प्रश्न बना हो, कोई शेयरिंग हो, तो यहाँ रख सकते हैं। Yesterday I attended the Hindi session, जी so I was able to get this assignment. So little bit of sharing I have written. I just want to share with you so that you can add on the things or guide me. Certainly, जी The sharing will be in English. Pardon me. And ओके, थोड़ा ब्रीफ कर लीजिएगा yes, 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 तो, definitely. और साथ ही हाँ Yes, रिलेट कम yes, कर yes. पाते हैं। जी Yeah. Imagination is going on in the self that I am able to see, right? Different physiochemical activities are also going on in the body on its own without interference of the self or the self or beyond the control of the self. This also I am able to see because of self-observation or because of our exercises. Interaction is happening between the self and the body at the choice of the self. Because they are coexisting, that also I am able to see. Then, self is using the body as an instrument, but often confusing that I am the self. This is my observation. Because of the exercises only, I am able to do this. So, self is using the body as an instrument, but most of the time I get confused or I forget that body is my instrument. I think I am the body in practicality. So, though I am using the body, I am paying attention to it when I want it. When I want it. Like when I am reciting the shlokas, when I am taking care of the house, when I am cooking, when I am interacting with the outside world, when I am eating. But most of the time, again, I am reiterating, I am forgetting that it is my instrument. I am landing that I am the body. So that is why I'm not able to see the distance, often slipping from what I am and instructing. Of course, it is happening with the instruction only, but when I am able to see that, then clearly I'm able to see this is my instrument. I'm instructing this one to do something, or I'm not instructing. It is just, it is sitting somewhere. My body is sitting somewhere. But every time imagination is going, whether I am using the body, whether I am not using the body, imagination is active. So this is where I am able to see the distance between the self and the body. If I am right, you tell me so that I can, improve my observation. So that is why her question. It is important to observe what is happening in the self, what I am doing with the body. जी, तो काफी हद तक ठीक है आपका ऑब्जर्वेशन। तो जितना आपने कहा, अगर आप उसको ऑब्जर्व कर पा रही हैं, सिर्फ विचार में नहीं, जैसे एक तरीका ये हो सकता है कि आपने उसको एनालिटिकली बैठा लिया अपने आप में, तो एनालिटिकली सारी बातें फिट हो गई, बॉडी जन इंस्ट्रूमेंट है ना, आई एम द सेल्फ, ठीक है, बड़ी सारी बातें उन्हें बैठा ली, तो ये तो एक विचार के स्तर पर होने वाला काम है। परंतु इतना जितना आपने कहा, अगर आप देख पा रही हैं तो बहुत ही अच्छा, इसको और आगे लिविंग बाय इट ऑफन ऑफन मोस्ट ऑफ द टाइम मे बी टू नॉट इवन 20% आई एम एबल टू ऑब्जर्व दैट व्हाट इज हैपनिंग, इस क्षण क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट आई एम, सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट 24/7। ठीक है, उसको उसको जितना कर सकते वहां शुरू करें। देखिए, एक बार चीजें दिख जाएं तो उसका होश बना ही रहता है। जैसे एक बार मुझे दिख जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, तो अवेयरनेस हमेशा ही रहती है, कुछ भी करेंगे है ना। जैसे जो चीजें हमने मान लीजिए जड़ के बारे में रूप के स्तर पर ही देख लिया, वो अवेयरनेस बनी रहती है। जैसे हमने अपने घर के रूप को देख लिया, जब भी घर को याद करते हैं तो घर का हमको ध्यान रहता है कि हाँ घर है, ऐसा है। वैसे एक बार हमने सेल्फ के बारे में कुछ देख लिया, तो हमारे जो भी हमारे
ब्लॉक B1 में दिखना हो गया है, वो हमारे साथ कंटिन्यू करता है, शेष के लिए हमको फिर प्रयास करना पड़ता है। तो जितनी बातें आपने बताया अगर उसको देख लिया अति उत्तम, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको हम और देखें। और फिर 24/7 आई एम नॉट एबल टू पे अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग इन द व्हेन आई थिंक फॉर अ मोमेंट हु एम आई वेयर एम आई वेयर इज माय बॉडी व्हाट आई एम डूइंग विद द बॉडी देन आई एम एबल टू। हाँ, इसका मतलब ये है कि दिखना नहीं हुआ है अभी, आपने किसी पॉइंट पर रुक के विचार कर लिया है ना, विचार कर लिया उसको, कल्पनाशीलता में आपने फिट कर लिया कि हाँ ऐसा ऐसा है, ठीक। अब वो भूल गया, फिर अगली बार फिर फिट करना पड़ता है। इट्स नॉट ऑब्जर्वेशन, ये देखना नहीं हुआ, ओके ये तो इमेजिनेशन है। ओके ओके ठीक है ऑब्जर्वेशन मीन्स कि आई एम एबल टू सी एज इट इज, जैसा है वैसा देख पा रहा हूँ, उसी पे बात हुई है ना, इस कि दोनों सेल्फ का फर्क एग्जैक्टिविटी हो रही मुझे है। दिखना दिख नहीं रहा। हाँ, तो अभी ये 24/7 कैरी करना इससे मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि तो हमने उसको विचार किया है, अब विचार में कोई दूसरी वस्तु आ गई तो पहली निकल गई है ना। अगर सिर्फ विचार नहीं किए होते तो फिर हमारे अंदर वो बनी रहती बात। दिखने का उपकार तो यही है ना, कि एक बार दिख गया तो फिर हमको ढोना नहीं पड़ता, कौन नहीं ढोना नहीं पड़ता, उसको कैरी नहीं करना पड़ता। पता नहीं मैं ओके ओके हाँ, इट्स वेरी मच राइट देयर विथ मी एवरी मोमेंट, आई डू नॉट हैव टू कैरी इट सेपरेटली, राइट राइट अदरवाइज है ना आई हैव टू कैरी इट इन माय इमेजिनेशन, मुझे अपनी राइट इमेजिनेशन में राइट कैरी करना पड़ता है। ओके वो कॉन्सेप्ट्स को लेना पड़ता है और बार बार वही इमेजिनेशन में सोचना पड़ता है और इसको वो ऐसा ऐसा है वो ऐसा ऐसा है हर क्षण आई हैड टू गेट बैक दोज कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम UHV एंड व्हाट इज हैपनिंग आई हैड टू अप्लाई एंड सो मेनी थिंग्स आई नीड टू डू बिकॉज डायरेक्टली आई एम नॉट एबल टू ऑब्जर्व इज इट सो या ओके ओके थैंक यू भैया थैंक यू सो जी, बढ़िया दी, बट नाइस कि आपने इसको प्रायोरिटी दी है, इट्स अ कंसर्न फॉर यू, 24/7 नहीं दिख रहा है, सो ये भी एक अचीवमेंट है। That is my concern. Yes. हाँ, ये भी एक अचीवमेंट है। I don't know whether it is achievement. I am happy that I am able to do something. हाँ, नाइस नाइस। देखिए अभी उसमें एक भाग ये देखना होगा जिसको भी आप देखने का प्रयास कर रही, दूसरा भाग ये भी देखना होगा कि कैसे इस सेंसेशन के ऊपर मैं डिपेंडेंट हो जाती हूँ हैप्पीनेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए या अनहैप्पीनेस को कम करने के लिए, आइदर वे है ना। तो हमारे अंदर कोई टर्मोइल है, कोई एंजाइटी है, कोई परेशानी है, ठीक, तो हम उसको सेंसेशन से रिजॉल्व करने जाते हैं कई बार, कि सेंसेशन से टेम्पररी रिलीफ मिल जाए। इसमें कोई गिल्ट फीलिंग की बात नहीं है, ये जहाँ हम खड़े हैं वहां से दैट आई शुरू एम एबल करते हैं। टू सी या तो वी ट्राई टू पेसिफाई, वी ट्राई टू रिजॉल्व थ्रू और गेट अ टेम्पररी रिलीफ थ्रू सेंसेशन, है ना। यस यस तो इससे भी निकलना है बाहर अपने आप को, तो सीधे सीधे राइट अंडरस्टैंडिंग से हम रिजॉल्व हो जाएं, ये जो टेम्पररी प्रॉब्लम है ये भी ना हो, टेम्पररी रिलीफ के लिए काम करना पड़ता है ये भी ना हो। यस भैया यस दैट आई एम एबल टू सी जी थैंक यू सो मच। एक शेयरिंग थी मतलब उसमें थोड़ी गाइडेंस भी चाहिए। जैसे भैया जब अपने दृष्टा भाव में बैठकर हम मतलब अपने आप को और शरीर को देखने की का काम करते हैं तो उस दौरान सर्दी की वजह से मेरे जो पैर हैं उनकी फिंगर्स में मतलब ब्लड सर्कुलेशन ना हो कम होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी जो कि मुझे पहले नहीं ध्यान में आई लेकिन जब बैठी और देखा तब मेरे मतलब मैं उसको रीड कर पाई और मतलब वो सेंसेशन जो इतनी ज्यादा तीव्र हुई कि मतलब मैं अपने आप में ऑब्जर्व कर पाई कि मेरी हल्की हल्की हृदय की गति भी तेज हुई मतलब वो इतनी ज्यादा तीव्र थी कि मैं उसको पढ़ते हुए परेशान हुई ये मैं देख पाई। और फिर मैंने अपने बॉडी को इंस्ट्रक्ट भी किया मैंने इचिंग भी की बहुत सारी और फिर मेरा ध्यान मतलब छूट गया जो मेरा ऑब्जर्वेशन था तो इसके ये दो बार हुआ मेरे साथ और इसके चलते हुए फिर मैं परेशान भी बनी और ये परेशानी somehow मेरे सबकॉन्शियस में रही
उसके चलते हुए जो मतलब मेरा कहीं कहीं इंटरनल रिएक्शन और बाहर भी मेरा जो कार्य है वो इफेक्ट हो गया, और फिर एक जगह मेरा बाहर रिएक्शन भी हुआ कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, कि मैं जो अपने मतलब दृष्टा भाव में मैंने जो होने का निर्णय लिया था वो मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो ऐसा रहा। और लेकिन उसके साथ साथ फिर मैंने जो मेरे को सेंसेशन हुई थी उसके लिए वो भी किया, सोल्यूशन भी किया कि मैंने जो भी ट्रीटमेंट लेना था कि मैं उसको टकोर कर लूँ गर्म पानी से अपने पैरों को, और उससे वो ठीक भी हो गया। मतलब इस तरह ये सब चलता चलता रहा। तो एक जो मैं देख पाई कि जो जब मैं परेशान हुई कुछ सेकंड्स के लिए तो मेरी हृदय की गति तेज हुई, और मैं मतलब उससे परेशान हुई, ज्यादा परेशान इस बात से हुई कि मैं सेंसेशन में नहीं हूँ और मैं उसको दूर से रीड कर पा रही हूँ। मतलब मैं उसमें ऐसा लगा कि मैं सेंसेशन में ही वो हो गई हूँ, बह गई हूँ, तो वो उससे ज्यादा परेशान होके रिएक्शन भी हुआ, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी और कार्य में भी इफेक्ट हुआ। तो ये भैया थी, इसको कैसे ठीक करें भैया? उसको ऑब्जर्व करेंगे और है ना, ये जो परेशानी हुई तो परेशानी किस बात से हुई? तो कोई प्रतिकूल संवेदना आ रही है पैर की उंगलियों से, ठीक, उससे क्या परेशानी है उसको हम देखेंगे। तो वहां पे हमारा कुछ भाव बना, उस भाव को देखेंगे। तो जब आप ध्यान दे रही थी तो पैर की उंगलियों में उससे परेशानी उत्पन्न हुई या जो परेशानी थी वो दिखने में आ गई, पूछ रहा था मैं। जी भैया वो तो दिखने में ही आई, क्योंकि पहले से हुई थी, तो क्योंकि जब दिखने में आई तो ऑलरेडी वहां पे रेड था, मतलब थोड़ा सा स्वेलिंग सा था, तो पहले तो इस चीज को नहीं देख पाए, रीड नहीं कर पाए, लेकिन जब ध्यान दिया तो रीड हुआ, और वो इतनी तीव्र थी कि पेन भी थी और इचिंग भी थी बहुत ज्यादा, तो लेकिन उससे अफेक्ट हो गए मतलब उसको, मतलब इसीलिए ये मैं अपने लिए देख पा रही हूँ कि सेंसेशन एक इन्फॉर्मेशन है, मैं रीड तो कर लेती हूँ लेकिन उससे अपना ध्यान नहीं हटा पाई। मतलब किसी टाइम कर भी पाती हूँ, किसी टाइम अगर बहुत तीव्र हो तो कर नहीं पाती हूँ, और उसमें फिर लगता है कि शायद हम सेंसेशन के अंदर ही हैं, मतलब हम सेंसेशन को इतना फील कर लेते हैं। हाँ, तो ये जो मिक्स्ड दूसरी सा बात है हुआ ना, है। इसके ऊपर और ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखिए, एक तो उपकार ये है कि जब आप बैठे तो पैर में जो स्वेलिंग थी उस पर ध्यान चला गया, क्योंकि तो वो इग्नोर होता है ना, और फिर बाद में शायद स्वेलिंग बढ़ जाती तो और समस्या उत्पन्न होती, तो ध्यान में आ गया। एक तो अच्छी बात यह है कि ध्यान में आ गया, उसका इलाज हमने कर लिया। अब उसमें जो जी दूसरी बात देखने की है कि उसमें अगर कोई प्रतिकूल संवेदना आ रही है तो मैं उससे किस बात से प्रभावित हो रही हूँ उसको ऑब्जर्व करें। तो संवेदना जी अपने आप में दुख है या संवेदना से मैं कोई अर्थ देकर दुखी हो रही हूँ? तो कोई जी संवेदना मेरे को नहीं ऐसा है। लगा भैया कि मैंने ये अर्थ दिया कि ये संवेदना में मतलब मेरा ध्यान बना रह रहा है, इस वजह से मैं जो एक्सरसाइज करने बैठी हूँ अपने में देखने की और अपने में दृष्टा भाव में बने रहने की, वो इफेक्ट हो रही है, ये जो भाव आया उसकी वजह से ज्यादा परेशान हूँ मैं। जी जी ठीक, तो उसमें और हम देखेंगे कि क्यों अफेक्ट हो रहा है। और ये भी ठीक नहीं है कि अगर कोई प्रतिकूल संवेदना है तो हम उसको इग्नोर करें, उसको हम जो भी इलाज करना बनेगा कर लेंगे, परंतु यदि उससे हम परेशान हो जा रहे हैं तो वो चीज हमारे लिए थोड़ा कंसर्न का है। परेशान क्यों हो रहे हैं उससे? तो अभी नहीं, 10 मिनट बात कर लेंगे, आधे घंटे बात कर लेंगे, 1 घंटे बात कर लेंगे, है ना, अभी ये काम कर लेते हैं। वो कई बार ठीक बात है, उसको हम नहीं कर पाते हैं तो वो चीज हमको बहुत ही हमारे लिए कंसर्न बन जाता है, और ये अपने आप एक संस्कार रूप में दिखाई देगा। संस्कार रूप में हमको दिखाई देगा कि जब भी कोई समस्या आती है, ठीक है ना, चाहे लाइफ में ही आए, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए अलग रख कर अभी जो सामने टास्क है उस पर ध्यान कई बार उसका नहीं दे पाते हैं। तो ये छोटी छोटी संवेदनाओं को, छोटे ऑब्जर्वेशन से बड़े बड़े निष्कर्ष निकलते हैं। तो मान लीजिए कोई लाइफ में परेशानी आ गई, कोई कठिनाई आ गई, तो हम अब हमारे लिए वो पूरे समय कल्पनाशीलता घिरे रहता है। ये नहीं कि हम उसको तय कर पाए अपने आप में कि हाँ थोड़ी देर बाद इस पर ध्यान देंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। अभी लगता है कि पहला काम यही कि इसको रिजॉल्व किया जाए। तो ये भी हमारा गहरा संस्कार हो सकता है जो इस शरीर में होने वाली संवेदना से देखने से हमको अपने आप में दिख सकता है।
फिर कोई भी समस्या सामने आ रही है तो ऐसा नहीं कि मैं उसको पूरी ऊर्जा उस क्षण उस पर लगा दूंगा, ठीक है, अभी कोई काम हमारे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो करेंगे, फिर उस पर ध्यान दे लेंगे। तो इसको भी अपने आप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जी भैया, जी भैया, मैं देख पाती हूँ ये है मेरे में संस्कार। मैं मतलब जो मन में बात हो जाती है, डिसाइड करती हूँ, अगर वो बात ना कर पाऊँ उस क्षण कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, परिस्थिति ऐसी हो जाती है, तो मेरी कल्पनाशीलता इसी बात पे चलती है कि मैं जो डिसाइड किया था वो नहीं कर पा रही हूँ, और प्रेजेंट में जो मेरा करना बनता है उसको फिर सही ढंग से नहीं कर पाती हूँ, और मतलब पूरे मन से नहीं कर पाती हूँ। ये मेरे में है संस्कार, और ये मुझे दिखा भी है, और थोड़ा थोड़ा इस पे ध्यान दे रही हूँ, कहीं कहीं ठीक भी होता है लेकिन मेजरली रहता है। जी जी, भैया, ठीक बात है। इसको हम कहीं नोट करके रख लें, क्योंकि एक मेजर संस्कार के रूप में ये काम करता है हमारे लाइफ में, ठीक है ना। जी तो फैमिली में कोई इशू हो, ऑफिस में कोई इशू हो, तो हमको लगता है पहले इसी को निपटाना है एकदम से, सबसे महत्वपूर्ण यही चीज है। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ना कि अगर हमारे अंगूठे में थोड़ी सी चोट लग जाए तो हमको लगता है दुनिया की सारी समस्या इसी अंगूठे में है, ये ठीक हो जाए बाकी सब ठीक हो जाएगा। जब अंगूठा ठीक हो जाता है तो हमको लगता है कि ठीक है ना, अभी तो इतनी बड़ी बड़ी समस्या है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब कहें कि एक संस्कार के रूप में ये बना रहता है आमतौर पर, है ना, हम सब में रहती है, और उसको मूल्यांकित करने की जरूरत है। तो कई बार आप पाएंगे शरीर में होने वाली संवेदना को देखते देखते हमारे गहरे गहरे संस्कार हमको दिखते हैं। इनफैक्ट इस पे काफी काम किया गया है परंपरा में, तो इससे हम अगर निष्कर्ष निकालेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं, फिर उस पे हम ठीक से काम कर पाते हैं। जी जी भैया, और ऐसे मतलब जब ये दिखता है कि मतलब जो मैंने डिसाइड किया, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया कि मैंने सेशन लेना है और सेशन की तैयारी करने बैठती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम मतलब मुझे उस अपनी जो डिसीजन है उसमें ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो फिर मेरे में बहुत पहले जो मैं देखती हूँ बहुत बनता था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं चाह रही थी ऐसा करना और ये नहीं हो रहा, और वो मुझे दिखता भी है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है, उसको डील करना जरूरी भी है और मेरी जिम्मेदारी भी है, लेकिन मैं परेशान होके फिर उसको करती हूँ, और मतलब इसी चक्कर में परेशान बने रहते हैं हम, और ये मतलब दिखा भी है संस्कार, और इसपे बहुत ज्यादा इवेल्युएशन भी नहीं कर पाई, लेकिन ऐसा भी दिखता है कि शायद वो बात की हमारी कॉन्टिन्यूटी है कि, और मतलब अगर ये विचार कभी मन में ले आए कि एग्जिस्टेंस की तरफ से तो अपॉर्चुनिटीज है ही, अभी इस काम जो मेरी अभी का रोल है इसको निभा ले, बाकी आगे भी बनेगा ये ना, तो इस तरह से करते करते कहीं कहीं रिजॉल्व हुआ है, मतलब मैं देख पा रही हूँ कि ये चीज काफी बार मेरे में आती है, लेकिन इसका परमानेंट उसको इवेल्युएट करना और उसको वो चलना है काम भैया, वो मैं इसको जी, ऐसा बहुत समझ पा बढ़िया रही जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इनफैक्ट जी इस पे भैया, ठीक से लग के काम करेंगे तो बहुत सारी चीजों से निकल, कि अभी हमको कोई भी प्रतिकूल संवेदना आती है, कोई प्रतिकूल घटना होती है, हमारे लिए इमीडिएट कंसर्न बन जाता है और हम बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते, उनकी प्रायोरिटी बहुत लो हो जाती है। तो हम ये भी देखें कि किस बात से हम परेशान होते हैं। शरीर तो परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता ही रहेगा, है ना, मैं का अस्तित्व बना ही रहेगा, मैं निरंतर है, ठीक। तो इन दोनों के लिए हम ठीक ठीक फिर कार्यक्रम बना पाते हैं, जैसा मैं हूँ वैसा ही दूसरा व्यक्ति भी है, तो उसको भी हम समझ पाते हैं। तो हम ना तो संवेदना से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, ना हम अपने पूरे कार्यक्रम को उथल पुथल कर देते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि यदि कोई इशू ऐसा है कि उस पर इमिडिएटली ध्यान देना जरूरी है ना, तो उस भाव के साथ हम ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए सामने में कोई गिर गया तो हम उसको उठाएंगे, अपने जरूरी काम को छोड़कर भी उठाएंगे, परंतु एक संबंध के भाव से कर रहे हैं, ना कि परेशानी के भाव से। अभी जो हमने उदाहरण लिया उसमें परेशान होकर कर रहे हैं, है ना। तो जो जरूरी काम है, जिसमें अर्जेंट है, इमीडिएट अटेंशन देना है, उसको तो देंगे हम, बट संबंध के भाव से देंगे, व्यवस्था के भाव से देंगे। अभी जो हम करते हैं कई बार परेशान होकर, है ना, इरिटेट होकर, एंग्जियस होकर करते हैं, तो इससे हमारे जो ये सब गहरे गहरे संस्कार हैं उनका हमको पता लगता है जी। और जो संवेदना से दूरी देखने की बात थी, इसको तो और अभ्यास करें, है ना जी, वो तीसरी बात है जो इससे जुड़ी है।
इस संवेदना को देखने का तुम अभ्यास करें और कोई भी संवेदना है उसको हम ध्यान दें, देखें और पता लगे कि ये मुझसे बाहर है। ठीक, मैं इसको निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ। जब मैं इसको निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ फिर निर्णय बदलता हूँ तो नहीं पढ़ता हूँ, इसका मतलब मुझसे बाहर है कि नहीं। ध्यान देता हूँ तो दिखता है, भैया तीव्र जैसे संवेदना में हम नहीं हटा पाते अपना ध्यान, मतलब ऐसा लगता है फिर वो, मतलब ये मेरी इनकम्पिटेंस है ऐसा ही लग रहा है जी। तो जिसको हम तीव्रता का रूप दे रहे हैं ये तीव्र है। अब तीव्रता में भी क्या हुआ, उसकी अपनी अपनी सीमा होगी सभी की। जैसे अगर एक उदाहरण लें कि अगर कोई मतलब खिलाड़ी को देखिए आप फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, उसको पैर में चोट लग गई है बट उसका गोल बना हुआ है कि हमको तो ये गोल करना है, बॉल को हिस्से में डाल देना है, तो वो उसको इग्नोर करता रहता है ना, कई बार उस पर ध्यान ही नहीं देता। अब वही जब मैच पूरा हो गया ध्यान दिया था, रे तो कट गया है, अब उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया वो, क्योंकि जो पहला लक्ष्य था गोल करने का वो बदल गया। तो उसमें होता यही है कि संवेदना उसी प्रकार से आ रही है बट हमारा ध्यान कहीं और, क्योंकि प्रायोरिटी कुछ और थी। तो मैं उसको निर्णय नहीं दे रहा था पढ़ने का तो नहीं पढ़ रहा था, अब निर्णय हो गया पढ़ने का तो पढ़ रहा हूँ। जी तो ये भैया चीज इसमें ना, दिखाई देगा। हाँ जी, जी जब हम कार्य के रूप में देखें तो संवेदना को मतलब पढ़ के ध्यान कार्य में लगा लें तो हो जाता है मुझसे, मतलब मैं ऐसा देख पाई हूँ कि तीव्र से तीव्र संवेदना में भी मैं ध्यान हटा के अपना काम कर लेती हूँ, लेकिन जो अपने में जो सोच विचार और अपना ध्यान लगाने में बहुत मुश्किल लगता है तीव्र संवेदना में, हाँ ठीक मतलब बात है ऐसा जी। भी। उसमें देखिए एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रख लें कि स्वास्थ्य पे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े उतना, तो हम उसको ना अवसर दें कि शरीर खराब हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए। परंतु जब कोई प्रतिकूल संवेदना आ भी रही है तो उसको ठीक से देख लें हो क्या रहा है, शरीर में कुछ हो रहा है ना, और मैं उसको पढ़ रहा हूँ। अब वहां पर आप देखिए कि होगा ये, वहां पर अगर आप उसको ऑब्जर्व करें तो हमारे अंदर पहले से कोई परेशानी बैठी रहती है। अब ये जब प्रतिकूल संवेदना आती है तो वो परेशानी उभर के सामने आती है और वो चीजें हमको इरिटेट करने लगती हैं, हमको एंग्जियस करने लगती हैं। तो इस संवेदना का उपकार है कि उसने उस परेशानी की ओर ध्यान दिला दिया। जैसे कोई कॉलेज में कोई घटना हो गई है ना, अब उसको लेकर हम कहीं से आराम नहीं पाए, अपने आप में परेशान हुए। अब जब घर आए और ऐसी कोई संवेदना शरीर में उत्पन्न हुई, अब इस पर जब ध्यान दिया तो वो जो परेशानी है दिन की वो उभर के सामने आ गई। तो आप पाएंगे कि शरीर से होने वाली जो मिलने वाली सूचना है उसको ऑब्जर्व करते करते हमारे अपने अंदर जो बहुत सारे परेशानी भाव विचार बैठा रहता है वो ट्रिगर होकर सामने आते रहते हैं और उसको हम ध्यान दे पाते हैं। तो इसका भी एक उपकार है। एक तो ये है ही कि मैं और शरीर अलग अलग स्पष्ट हो जाए, दूसरा ये भी है कि संवेदना को पढ़ते हुए और संवेदना की तीव्रता को देखते हुए हमारे अंदर जो बहुत सारे गहरे गहरे संस्कार हैं, जो भाव है, परेशानी है, वो उभर कर सामने आते हैं और हम उसका भी मूल्यांकन कर पाते हैं, उसका मूल्यांकन कर पाते हैं। तो इसको तो विपश्यना विधि में काफी ठीक से किया जाता है, कराया जाता है ना, वो भी एक ऑब्जर्वेशन में आएगा। तो ये सारे विधियां या ये सारा कुछ जो हमें भी कर रहे हैं परंपरा में काफी सारा प्रयास हुआ है। जी जी भैया, ठीक है भैया, मेरे मतलब मेरे को तो दो ही इसमें बात लगती है अपने लिए। एक तो कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी परेशानी थी कोई, जब मैं ध्यान लगाने बैठी और फिर वो संवेदना को पढ़ के वो ट्रिगर हुई, ऐसा लगा मुझे, इसको मैं चेक करती हूँ एक तो, और दूसरा फिर वही जो मेरा संस्कार है जिसको मैंने पहले भी देखा कि मतलब मेरा वही ऑन द स्पॉट जो प्रॉब्लम हुई, मैं जो मैंने डिसाइड किया हुआ था उसमें ऑब्स्ट्रक्शन दिखी तो मैं परेशान बनी, तो हाँ। और तीसरा ये भी था कि ये बिल्कुल ठीक था कि मैंने उसको पहले संवेदना को नोट नहीं किया, लेकिन जब ध्यान लगाया तो वो मतलब मेरे ध्यान में आई, फिर मैंने उसके लिए जो कार्यक्रम बनाया उससे मुझे रिलीफ भी हुआ, मतलब वो प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व हुई। तो ये तीनों बातें ही दिखी है। ठीक है भैया, बस वही ये संवेदना को जो तीव्र संवेदना होती है ना उसमें अपना ध्यान लगाना थोड़ा सा अभी उसने आगे है ना जरूरत है भैया। ठीक है भैया, मैं इसको देख लूँ। धन्यवाद भैया, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन।
अभी जो दीदी बात कर रही थी उसी को कुछ थोड़ा सा हम आगे बढ़ा करके अपना जो मेरा मन में भाव आता है उसको शेयर करना चाहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा सेल्फ है वो बॉडी के संग पूरा इंटेंगल्ड है। मतलब है तो बॉडी से अलग, लेकिन ऐसा अलग नहीं है कि वो कहीं दूर रह सके और बॉडी कहीं दूर रहे। जैसे कि अगर शरीर के अंदर कोई भी संवेदना है, तो जैसे हम उसको कहते हैं ना कि हम पढ़ने का निर्णय करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये निर्णय नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली वहां तक पहुंचती ही है। और कई बार होता है कि एक संवेदना से बड़ी संवेदना दूसरी आ जाती है, तो जैसे कम शोर को बड़ा शोर दबा देता है और वो छोटी आवाज नहीं सुनाई पड़ती। तो वैसा ही कुछ होता है कि हम छोटी संवेदना हमें लगता है वो भूल गई, हम बड़े संवेदना में पड़ गए। जैसे फुटबॉल का आपने उदाहरण दिया, तो जी उसकी संवेदना उसकी तरफ ज्यादा है कि उसे गोल ठीक से करना है, तो छोटी संवेदना उसके हिसाब से हो गई और उसको उसने दबा दिया बड़ी संवेदना ने, वो डिसअपियर नहीं हुई उस सेल्फ में से। तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे सेल्फ का निर्णय नहीं है कि वो संवेदना को पढ़े या ना पढ़े। अगर शरीर है तो संवेदना तो पहुंचती रहेगी, लेकिन एक छोटी संवेदना को बड़ी संवेदना या बड़ी बात दबा देती है। और यहीं पर एक वैसा भी लगता है ना कि एनेस्थीसिया दे करके जैसे किसी भाग विशेष को सुन्न कर दिया, तो वहां की कोई संवेदना नहीं पहुंचेगी। तो सेल्फ अगर निर्णय भी करे कि उसके सामने उसकी उंगली कट रही है और वो उसको महसूस करना चाहे, तो वो नहीं कर सकता। तो ये भाव मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सेल्फ का निर्णय होता है कि वो संवेदना को अनुभव करे। मुझे लगता है जहां पे उसकी कनेक्टिविटी रहेगी वो ऑटोमेटिकली उसको अनुभव करेगा, उससे परेशान हो या ना हो ये अवश्य उसके निर्णय में हो सकता है। तो इसी पर थोड़ा सा आपका विचार सुनना चाहते हैं। थैंक यू भैया। जी, बढ़िया दीदी। और एनेस्थीसिया वाली बात को भी अलग से लेंगे। देखिए, अभी आप ऑब्जर्व करिए, जो पिछले 2 मिनट में आपने बात रखी, तो आपका सारा ध्यान इस पे होगा कि मुझे क्या बात रखनी है और उसको कैसे हम सटीक ढंग से प्रस्तुत कर पाए, होगा ही, है ना। जी इस जी दौरान देखिए कि आपने संवेदना को पढ़ा क्या। तो यहाँ पे संवेदना का मुद्दा कोई तीव्र हो या कम तीव्र हो, परंतु अभी चूंकि ध्यान आपका जो आपने प्रश्न किया उस पर था, तो संवेदना को आपने शायद पढ़ा ही ना हो, बहुत सारी संवेदनाओं को। वो सिर्फ जी संवेदना की तीव्रता का मुद्दा नहीं था, वो जी सेल्फ की प्रायोरिटी का मुद्दा था। वैसे अगर वो गोल करने वाले उदाहरण को भी लें, तो वहां पे बेसिकली वो संवेदना का मुद्दा नहीं है, वो सेल्फ में कोई कल्पनाशीलता चल रही है उसका मुद्दा है, उसका निर्वहन कर रहा है व्यक्ति। तो इसको 2 भाग में देख सकते हैं कि जैसे सेल्फ में कोई कल्पनाशीलता चल रही है, और वो कल्पनाशीलता हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, शरीर उस समय गौण हो जाता है। ठीक है, हाँ प्रायोरिटी चेंज हो जाती जी बिल्कुल जी। परंतु शरीर के प्रति संरक्षण का भाव बना हुआ है, तो बीच बीच में हम ध्यान भी देते रहते हैं। जैसे हम बैठे बैठे कुछ सोच रहे हैं, बट सोचते सोचते हम अपना शरीर का पोस्चर बदल देते हैं, हर आधे 1 मिनट पे, 1.5 मिनट पे, है ना, कुछ ना कुछ बदलते रहते हैं। तो शरीर के प्रति संरक्षण का भाव बना हुआ है, उसके साथ लगता है कि कोई पैर पे ज्यादा जोर पड़ गया, शरीर का कोई भाग शिथिल हो गया, तो हम संवेदना को पढ़ते हुए बदल देते हैं। अब ये जरूर है कि संवेदना को मैंने पढ़ा है, ये बात मुझे ध्यान में नहीं रहता, हमको लगता है कि ये अपने आप पैर बदल गया। तो यदि मैंने अपने आप नहीं हुआ है, मतलब ये हमने संवेदना को पढ़ा है और फिर निर्णय लेकर बदला है, मैं ये भी निर्णय ले सकता था कि ना बदलू पैर को। तो आप देखेंगे दोनों जगह मेरा निर्णय है, संवेदना को पढ़ने में भी और पैर को बदलने में भी। इसको ऑथर ऑब्जर्व करें, तो हमारे अंदर एक स्वीकृति है कि जो ज्यादा तीव्र संवेदना होगी उसको पढ़ेंगे, जो कम तीव्र होगी उसको नहीं पढ़ेंगे। जैसे शरीर के तो हर कोशिका में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, बट उसको क्यों पढ़ें, काम का नहीं है अभी हमारे, है ना। जब काम का होगा तो पढ़ेंगे। जी जी इसमें एक आपने जो बात कही थी ना कि जो काम का है या नहीं है, तो वो मुझे लग रहा है कि आपने ये भी कहा था कि हर एक की क्षमता अलग-अलग होती है कि किसके लिए कौन तीव्र में आएगा कि नहीं आएगा। तो जैसे कि बहुत सारे साउंड होती हैं और उस साउंड में हमारे लेवल की जब साउंड आती है तो हमें समझ में आती है, या उसके पीछे आगे होती है तो हमें नहीं समझ में आती है।
तो इसमें ऐसा मान सकते हैं कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना अलग कैपेबिलिटी क्षमता उसने अपने जीवन में बना ली है, और वो उसके नीचे या ऊपर कोई चीज होती है तो उसको वो नहीं ध्यान देता है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि ये जो प्रायोरिटी का मुद्दा है ये शरीर में भी है, क्योंकि शरीर को उस तरह से बना दिया गया है कि किसी को वही तीव्रता कम लगती है, किसी को ज्यादा लगती है, जबकि सेल्फ तो सबका एक ही जैसा है। तो शरीर देखिए, की ट्रेनिंग हुई है। दोनों जगह अंतर है। मैं बताता हूँ तो, है ना, जैसे कि कोई शोर आता हो घर में, बराबर आता हो, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्व त्योहार का मौसम है, ठीक समय है, और बाहर कोई लाउडस्पीकर पे गीत बज रहा है, बहुत तेज बज रहा है, ठीक, और आपने मोबाइल को वाइब्रेटर पर लगाया हुआ है, ठीक। अब देखिए, वाइब्रेटर की जो आवाज होगी, ठीक है ना, वो तो बहुत ही धीमा होता है, फिर रिंगटोन का तो फिर भी आवाज जोर से होता है, वाइब्रेटर तो बहुत ही धीमा होता है, ठीक। बट आप उस लाउड स्पीकर के आवाज को अंडरमाइन करते रहते हैं, और जैसे ही वाइब्रेटर की आवाज आती है, आप दौड़ के मोबाइल के पास जाते हैं। तो यहाँ पे तो जो अगर हम साउंड की वॉल्यूम को देखें, है ना, उसके पिच को देखें, तो लाउड स्पीकर का ज्यादा है, मोबाइल का कम है, बट मोबाइल को ध्यान देते हैं, लाउड स्पीकर को ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सिलेक्शन है, कि ये वॉइस, ये आवाज मेरी मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लाउड स्पीकर की आवाज मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो सिर्फ आवाज की इंटेंसिटी या पिच का मुद्दा नहीं है, या वॉल्यूम का मुद्दा नहीं है, मेरे चॉइस का मुद्दा है। वैसे जी ही आप देखेंगे, जैसे घर में, मतलब जब आपका कोई छोटा बच्चा होगा, तो घर में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, आप किचन में हैं, बट दूर कमरे से बच्चे की जरा सी आहट आ जाए, आपको पता लग जाता है, आप दौड़ के वहां चले जाते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि हमने प्रायोरिटी दी हुई है कि ये आवाज मेरे लिए महत्वपूर्ण है, दूसरी आवाजें मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये सिर्फ उस आवाज के वॉल्यूम पिच पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारा सिलेक्शन है वहां पर। ये बात ठीक है? जी बिल्कुल, यहाँ तक तो ठीक है, पर जो जी बॉडी की ट्रेनिंग की बात होती है इंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए या संवेदना को फील करने के लिए, जैसे बहुत सारे दिखाए जाते हैं कि बहुत ठंड में भी बिना कपड़े के रह रहे हैं, तो वहां पे क्या ये मुद्दा शरीर का होता है, शरीर की ट्रेनिंग का, या सेल्फ के प्रायोरिटी का होता है? दोनों का ही। देखिए, जैसे अभी आप अचानक निर्णय लें कि अभी जितने हम कपड़े पहन रहे हैं ठंड के हिसाब से, सो कल से कम कर देना है, ठीक है ना, हमें जैसे उलेन नहीं यूज करना, खाली कॉटन से ही काम चलाना है, तो आप पाएंगे कि सर्दी जुकाम हो गया, है ना, और शरीर में कोई हो सकता है बड़ी परेशानी भी उत्पन्न हो गई, यानी कि अभी शरीर का भी तैयारी नहीं है। परंतु यदि इसी स्थिति में रहा जाए लंबे समय तक, तो शरीर की तैयारी हो जाती है। वैसे ये जो निर्णय आपने लिया, अगर वो मैं का निर्णय हो गया कि नहीं, चाहे शरीर बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे तो कॉटन में ही रहना, उलेन यूज ही नहीं करना है, तो आप उसको बनाए रखेंगे। अदरवाइज जैसे एक छींक आई, हम तुरंत कहते हैं निर्णय पलटो, है ना, वापस चलते हैं, उलेन यूज करते हैं। तो मैं की भी तैयारी है, शरीर की भी तैयारी है। शरीर की तैयारी भौतिक रासायनिक स्तर पर है, मैं की तैयारी मानने के स्तर पर है। तो दोनों का ही रोल है। जी, थैंक यू भैया। बढ़िया दीदी, और भी कुछ हैंड्स रेज थे? वृंदा जी का हैंड रेज था, किशन जी का भी हैंड रेज था। अगर कोई प्रश्न हो तो रख लेते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग 10 मिनट इसको ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर इसको डिस्कशन करेंगे। 10 मिनट में इस चीज को और बारीकी से देखना है, अपने और संवेदना के बीच की दूरी को देखना है। बढ़िया। देखिए, 10 मिनट में ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर लें, परंतु 10 मिनट में ध्यान आकर्षण तो हो जाता है, क्या लगता है? तो इस 10 मिनट में हम बैठकर ये जो स्टेप है उसको एक बार ठीक से ध्यान दे पाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हाँ। और अगर ये निर्णय बन जाए कि आज के दिन मुझे ये काम अपने आप में करना है,
आज के दिन संवेदना और मेरे बीच जो दूरी है उसको देखना है, तो उसको हम कहीं भी करते रहेंगे बैठे बैठे। हो सकता है कि ऑफिस जाने में हम कोई पूलिंग कर रहे हैं या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ हमारा कोई मेजर रोल नहीं है, ड्राइव नहीं कर रहे, तो बैठे बैठे ध्यान देते रहेंगे अपने ऊपर। ऑफिस में बैठे हैं, कुछ समय मिल गया, अपने ऊपर ध्यान देते रहेंगे, रात को सोने से पहले उस पर ध्यान देते रहेंगे, और पाएंगे आपकी ये धीरे धीरे हमारी एक प्रवृत्ति बन जाती है, एक अभ्यास हो जाता है। तो जहां हमको लगता है कि खाली समय मिला तो थोड़ा अपने आप को इंटरटेन करें, रिलैक्स करें, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जहां खाली समय मिला ज्ञान के लिए काम करें। नहीं तो ये जो हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में इसका अभ्यास करते हैं समय निकाल कर 10 मिनट 15 मिनट, उससे हमारे अंदर अगर वो अभ्यास हो जाए, प्रवृत्ति बन जाए कि जो भी हमारे पास खाली समय है उसको मुझे ज्ञान के अर्थ में लगाना है, सही भाव के अर्थ में लगाना है, और फिर हम अपने आप में मूल्यांकित भी कर पाएंगे क्या इससे भी सुख मिलता है। कई बार ऐसा हुआ कि हम दिन भर काम किए, थके, उसका हमको लगता है रिलैक्स होना है, रिलैक्स होने के लिए हम कुछ और विधियां अपनाते हैं, परंतु ये भी लग सकता है कि रिलैक्स होने का एक तरीका ये भी है कि अपने अंदर सही भाव सुनिश्चित किया जाए, ज्ञान सुनिश्चित किया जाए। ये शिफ्ट हो जाए तो फिर हमारे पास पर्याप्त अवसर है कि नहीं। अभी भी सुनते हुए ही अच्छा लगता है, क्या ये ठीक है? हाँ ठीक है ना, यहाँ से शुरू करें सुनते हुए। हाँ बिल्कुल, यदि हम खाली समय में इस पे कोई चर्चा सुन रहे हैं तो बिल्कुल उपयोगी है, बिल्कुल ठीक बात है, परंतु उसके साथ हम अपने ऊपर ध्यान देंगे तो और भी उपयोगी होगा। तो ये सब कुछ मेजर शिफ्ट है जो अपने को लेने हैं, तो उससे मैं का जो कार्यक्रम है वो निर्णय हो पाता है, मैं का कार्यक्रम अपने आप में क्या है। तो अभी हम अपने दिनचर्या को पूरा करते हुए, अपने जॉब के काम को करते हुए, घर के काम को करते हुए व्यस्त रहते हैं, फिर जो समय मिलता है उससे हम रिलैक्स होने जाते हैं, रिलैक्स होने के लिए हम अक्सर संवेदनाओं का प्रयोग करते हैं, परंतु उसके स्थान पर यह भी हो सकता है कि उसको हम अवसर का सदुपयोग करें ज्ञान के अर्थ में कि नहीं, इन तरह के अभ्यास के अर्थ में जी। तो इसको अपने आप में देखना है कि क्या मैं संवेदना हूँ, क्या मैं संवेदना में हूँ, मतलब क्या मैं संवेदना का एक भाग हूँ। तो अभी जो चर्चा हुई, जो बहुत सारा उदाहरण आया, काफी अच्छी चर्चा रही, उसमें हम देखें उसको कि मैं किस संवेदना से इतनी जल्दी कैसे प्रभावित हो जाता हूँ, क्यों प्रभावित हो जाता हूँ। उस क्षण क्या मुझे ये होश रहता है कि संवेदना मुझसे बाहर है, शरीर के किसी अंग में कोई बात हो रही है, कोई है ना संवेदना हो रही है, तो क्या वो शरीर में हो रही है, मुझसे बाहर हो रही है, या कहीं हम उससे इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम उसको स्वयं मानकर इमिडिएटली उसके प्रभाव में आकर कोई ना कोई निर्णय लेने लगते हैं। ये सारी बातें अपने आप में ऑब्जर्व करनी है। कुछ हैंड्स रेज से पहले अगर कोई प्रश्न हो कि नहीं का तो रख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन में सहज रूप से देखने से आ सकता है कि मैं संवेदना नहीं हूँ, मैं संवेदना में नहीं हूँ, मेरे और संवेदना के बीच दूरी है। ये हमारे देखने में आ सकता है, परंतु मैं कहूंगा कि इसको ओपन रखें, इसको निष्कर्ष के रूप में अभी ना ले लें, क्योंकि आपके ऑब्जर्वेशन में आया कि नहीं आया ये मुख्य मुद्दा है। तो हमारे ऑब्जर्वेशन में आ सकता है कि मैं संवेदना नहीं हूँ, संवेदना में नहीं हूँ, संवेदना मुझ में नहीं है, है ना, और मेरे और संवेदना के बीच में दूरी है, और दूर रहते हुए मैं पढ़ पाता हूँ किसी भी जगह होने वाली संवेदना को, मैं अपने निर्णय अनुसार पढ़ता हूँ। इस निष्कर्ष पे हम पहुंच सकते हैं अपने अपने ही ऑब्जर्वेशन से। देखिए जो बार बार ये बात कही जा रही है कि जो भी यहाँ से कहा जा रहा है वो एक प्रस्ताव है, और उसको अपने आप में देखना है ना, ताकि वो सिर्फ हमारे लिए एक सूचना ना रहे, हमारे ऑब्जर्वेशन का हिस्सा बन जाए, हमारे ज्ञान का हिस्सा बन जाए। तो जब हम ये कहते हैं कि मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, तो ये इच्छा हुई या आशा हुई?
तो गाड़ी खरीदने में हमारी इच्छा भी शामिल है, विचार भी शामिल है, आशा भी शामिल है जी। तो गाड़ी क्यों खरीदना चाहता हूँ, वहां पे इच्छा दिखाई देगी। तो के लिए खरीदना चाहता हूँ, पीछे से कोई बहुत तेज आवाज आ रही भैया, चाहे तो उसको हम लोग अभी मिलते हैं। तो गाड़ी क्यों खरीदना चाह रहा हूँ, तो शरीर का सदुपयोग करने के लिए, आवागमन के लिए, या सम्मान पाने के लिए, या कोई संवेदना प्रभावित कर रही है, संवेदना से तृप्त होने के लिए, तो इच्छा के स्तर पर दिखाई देगा। ठीक, फिर विचार के स्तर पर दिखाई देगा कि कौन सी गाड़ी खरीदनी है। ठीक, उस गाड़ी के लिए हमने क्या क्या अपनी चीजें तय की है, कितनी बड़ी हो, क्या साइज हो, ठीक, कितने सीट वाली हो, किस तरह का उसका बनावट हो, ये सारी चीजें विचार के स्तर पर तय होगा, और उसके साथ कुछ आस्वादन जुड़ा होगा। तो कोई भी ऐसा हम योजना बनाते हैं तो उसमें इच्छा भी शामिल है, विचार भी शामिल है, आशा भी शामिल है। जो चयन कर रहे हैं कि यही गाड़ी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ब्रांड अल्फा है ना, मॉडल एक्स वाई जेड, ये जो हमने चयन किया ये तो आशा के स्तर पे होगा, बट उसके पीछे जो विचार चला है, जैसे अभी देखें तो ये बात होने लगी है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलेंगे, है ना, फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ियां बंद हो जाएंगी। तब हम आप विचार करते हैं कि आज के दिन कोई गाड़ी लेंगे, कम से कम 8-10 साल चलेगी, अब इस 8-10 साल में हो सकता है कि फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ियां बंद हो जाए, क्यों ना इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया जाए। अब ये विचार के स्तर पर चल रहा है। तो गाड़ी क्यों खरीदना है वो इच्छा के स्तर पर है, कौन सी गाड़ी लेनी है, किस आधार पर लेनी है, ये विचार में चल रहा है। फिर इसमें सिलेक्शन करेंगे वो आशा में होगा जी। हाँ भैया, इसमें सिर्फ इतना था कि हिंदी में जब कहते हैं तो ये ठीक लगता है, लेकिन जब अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू हैव अ कार, तो उस समय ये एक्सपेक्टेशन हुआ या डिजायर हो गया? तो उसमें आई वॉन्ट टू हैव अ कार को हम प्लेस करेंगे कि उसको ज्यादा ठीक से होगा कि कहना कि भाई डिजायर टू हैव अ कार, ठीक, या आई एम गोइंग फॉर अ कार। तो वांट जब कह रहे हैं, जनरली हम लोग जब इंग्लिश में उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वांट शब्द को इन जनरल हम लोग नेचुरल एक्सेप्टेंस से रिलेट कर रहे हैं। तो जब वर्कशॉप में कोई बात रख रहे हैं तो बहुत स्पेसिफिकली वांट शब्द को अगर आप देखें तो नेचुरल एक्सेप्टेंस से रिलेट किया गया, आई वांट टू बी हैप्पी इन कंटिन्यूटी, आई वांट टू मेक द अदर हैप्पी, तो वांट शब्द को हम नेचुरल एक्सेप्टेंस से क्रिएट कर रहे हैं। और जो जीने में बना रहे हैं पूरी योजना कार्यक्रम, तो उसको फिर हम अलग अलग ढंग से रखते हैं। तो बोलचाल की भाषा में बात ठीक से पहुंच जाए दूसरे को इतना पर्याप्त है, बट यदि इसको एनालाइज करेंगे तो फिर हम उसको प्लेस करेंगे, इच्छा के स्तर पर क्या है, विचार के स्तर पर क्या है जी, तो जी, ये भी कह सकते हैं आई नीड टू हैव अ कार, है ना। हाँ 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 जी हाँ, क्योंकि जब वांट कहते हैं तो वो बाहर से चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो वहां फिर वो एक्सपेक्टेशन लगने लगता है। अब देखिए वहां पे आई नीड टू हैव अ कार, आई डिजायर टू हैव अ कार, आई वांट टू हैव अ कार, है ना, आई शुड गो फॉर अ कार, समथिंग समथिंग, कुछ भी हम प्रयोग करें वो मुद्दा तो समझने का है, भाषा तो रख लेंगे जी। ठीक ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू भैया, बढ़िया भैया। तो इसको ऑब्जर्व करें हम, इसमें काफी कुछ मिलेगा, दीदी के साथ संवाद हो रहा था, इस भाग को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें काफी कुछ मिलेगा देखने के लिए। इस संवेदना को अगर अपने आप में ऑब्जर्व करें, उससे गहरे गहरे संस्कार भी निकल कर आएंगे, ठीक है ना, और उससे भी पता चलेगा कि कई बार हमारी अपनी कोई स्थिति होती है जिसके कारण हम संवेदना से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, तो स्थिति का भी पता चलेगा। तो इसको हम करें सघनता से करें, बारीकी से करें, है ना, कंटेंट के रूप में तो थोड़ी सी ही बात है इसमें, परंतु देखने के लिए बहुत कुछ है इसमें। तो इसको हम आज दिन में करें, कल हम लोग फिर इस पर चर्चा करेंगे, अभी समय हो चला है, चर्चा यहीं रोक लेते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।